2017 में 30 इंडियंस थके हारे भूखे प्यासे और मन में जंगली जानवरों का खौफ लिए हुए पनामा के जंगलों से होते हुए जा रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि उनकी मौत कब हो जाए। उनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि जब उनको प्यास लगती थी तो वह पसीने और रेन वाटर से भीगी हुई अपनी टी शर्ट को निचोड़ कर पीते थे। उनको भूख लगती थी तो खाने को कुछ न होने के कारण रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुपचाप आगे बढ़ जाते थे। जब वह थक कर सोने के लिए बैठते थे तो उनके मन में सिर्फ एक ही डर होता था कि कहीं कोई जहरीला सांप उन्हें काट न ले। लेकिन वो सब जा कहाँ रहे थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये बस एक सिंगल स्टोरी नहीं है, आपको ऐसी ना जाने कितनी स्टोरीज सुनने को मिल जाएंगी। अ मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर फ्रॉम हरियाणा पंजाब कुछ ऐसे ही रास्ते अपनाते हैं विदेश जाने के लिए, जिसको डंकी रूट या डंकी फ्लाइट कहा जाता है। ये अब इंडिया में एक ट्रेंड सा बन चुका है, जिसको लेकर शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की एक मूवी आई है डंकी। मेरी ना जी पूरी फैमिली है ये चार उल्लू के पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं। किडनी स्पेशलिस्ट, यो यो, वेयर आर द किडनीज? अरे आ है किडनी। जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग अपने सपनों को जीने विदेश जाते हैं। जब वह लीगल तरीके से नाकामयाब हो जाते हैं तब वह कुछ ऐसे ही रास्ते डंकी रूट को अपनाते हैं विदेश जाने के लिए। ये एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजों के बीच कैसे रहे? लेकिन लोगों को जब पता है कि इस चीज में इतना खतरा है तो वह क्यों ऐसा करते हैं, तो यही सब जानने की कोशिश करते हैं हम आज की इस वीडियो में। हमारे गांव में 150 में कम से कम 80-80 लाख लोग किसे गए हैं। भाई सभी भाई राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खतर आए थे भाई, चार जने बचे भाई हम। जब यहाँ आए थे हमने तो नींद से पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट के गांव दुराना से पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा लोगों ने इंडिया को छोड़ा है। अगर आप इस गांव में जाकर देखोगे तो आपको मुश्किल से 2 या 3 यंग पीपल मिल जाएंगे, वरना मैक्सिमम ने तो गांव ही क्या देश ही छोड़ दिया है। यहां के लोगों का मानना है कि जैसे ही बच्चों की 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उनको फॉरेन कंट्री ही अपना फ्यूचर दिखता है। रतन सिंह एक गाँव का निवासी बताते हैं कि उनके 3 बच्चे हैं जो कि बेटर फ्यूचर और जॉब के लिए विदेश जा चुके हैं। सिमिलरली तेज सिंह अनदर नेटिव ऑफ विलेज बताते हैं कि जैसे ही बच्चों की 12th क्लास पूरी हो जाती है तो वह बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर के लिए विदेश चले जाते हैं। उनकी फैमिली में 30 मेंबर हैं, जिनमें से 12 तो विदेश जा चुके हैं। गांव की सरपंच सरबजीत कौर बताती हैं कि बेटर एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी लोग जॉब नहीं पाते, जिसके लिए यंग जो हैं वो गांव का देश ही छोड़ने पर मजबूर हैं। और न जाने ऐसे कितने ही गाँव हैं जिनकी ऐसी सेम स्टोरीज हैं। आप लोगों ने हर जगह हर गाँव हर गली में कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखी होंगी, जिसमें ये आइल्स इंस्टीट्यूट आपको वादा करती है कि आपको यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भेज देंगी, जिसके लिए ये लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसको आइल्स टेस्ट कहा जाता है, जो कि लोग क्लियर भी कर देते हैं। लेकिन फिर जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो है फीस की। ये इंस्टीट्यूट बाहर भेजने के लिए लोगों से इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं कि मिडिल क्लास के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो लोग अफोर्ड कर लेते हैं उनका वीज़ा बार बार रिजेक्ट होने के कारण भी वो लोग विदेश नहीं जा पाते। इसके बाद उन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है और वो होता है डोंकी रूट। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं उन्हें डोंकीस कहा जाता है, और जो लोग इस रास्ते को पार कराते हैं उन्हें डोंकर्स कहा जाता है। डोंकर्स जो है एक आदमी को दूसरे देश पहुंचाने के काफ़ी मोटी रकम चार्ज करते हैं, जो कि 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक की होती है। अब गाँव में वीज़ा न लगने के कारण लोग लोन और अपनी ज़मीन को बेचकर पैसे इन डोंकर्स को दे देते हैं, जिसके बाद उनको इस हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब सबको पता है कि इस रास्ते में पहुंचने पर बहुत खतरा है और कोई गारंटी भी नहीं है कि आप सही सलामत वहां पहुंच जाओगे भी नहीं, और अगर पहुंच भी गए और वहां की पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो वहां की गवर्नमेंट आपको सीधा इंडिया वापस डिपोर्ट कर देगी, तो फिर भी लोग ये रास्ता क्यों चुनते हैं? इसके पीछे 2 कारण हैं, एक है सोशल और दूसरा इकोनॉमिकल। अगर हम स्टैट्स पर नज़र डालें तो इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जनवरी 2023 से 7.14 से बढ़कर फरवरी 2023 में 7.45 हो गई थी, और अगर हम
नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करें तो वह 33 मिलियन है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रूरल एरिया के हैं। और अगर मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट की बात की जाए तो हरियाणा का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। अब अगर पढ़ने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो उनके पास सिर्फ विदेश जाने का ही ऑप्शन रह जाता है। और इंडिया में अगर एक एवरेज जॉब करने वाला 30,000 रुपये महीना कमाता है तो वहीं वह यूएसए में 1 से 1.5 लाख रुपये महीना आसानी से कमा सकता है। अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को लोग गंवाना नहीं चाहते और अपने बेटर फ्यूचर के लिए उनको विदेश जाना ही बेटर लगता है। अब ये तो था इकोनॉमिकल फैक्टर, तो चलिए अब देख लेते हैं सोशल फैक्टर को। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में एक विलेज की बात की थी जहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विदेश जा चुकी है, और अब इंडिया में विदेश जाने का ट्रेंड बन चुका है। लोगों को लगता है कि विदेश जाने से उनकी इज्जत जो है वो बढ़ जाएगी, समाज उनको और ज़्यादा इज्जत देगा, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना लगेगा, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो उनकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। और इसी सोच के कारण अब मोस्ट ऑफ द पीपल अपने आप या अपने रिलेटिव्स को विदेश भेज रहे हैं, मतलब जो समाज होता है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आम लोगों की ज़िंदगी पर। पंजाब से अब हर कोई यूके या अमेरिका कैनेडा जाना चाहता है, जिसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पंजाब के जलंधर में शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा है, जिसको एरोप्लेन गुरुद्वारा भी कहा जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और एरोप्लेन को रख कर जाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका जो वीज़ा है वो जल्द से जल्द लगेगा और उनको विदेश जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखा जाए तो विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है और आप लीगल तरीके से विदेश जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। और जो लोग ये इस तरह के डोंकी रूट को अपनाते हैं तो उनको एक ही बात कहूँगा, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कोटा में स्टूडेंट्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।